अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की, और ये है स्टीव वर्ल्ड। इस वर्ल्ड का नाम है स्टीव वर्ल्ड। तो ये इतनी आसानी से तो नहीं मिलता, पर मैंने इस वर्ल्ड को डाउनलोड करके अपग्रेड किया है। तो अपग्रेड इस तरह किया है कि सर्वाइवल शुरुआत करके, तो सारा अपग्रेड किया है मैंने इसको, सारा टोटली 8-1। ये देखें गाइस, ये है मेरा एंशिएंट डोम। ठीक है गाइस, तो अब हम आपको यहाँ का पूरा टूर कराते हैं। ये पहले का सब कुछ बना हुआ था, और ये हम हमारे एक्सपी फार्म में जा रहे हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बी फार्म और वो दूसरा स्केलेटन फार्म। ये स्केलेटन फार्म है, देखें गाइस। यहाँ पे मुझे कुछ देर खड़ा होना पड़ेगा, फिर सारे स्केलेटन्स आएंगे, मैं एक्सपी भी इकट्ठा कर पाऊँगा, और बोन एरोस ये वो सब कुछ। और ये ज़ॉम्बी फार्म है जी, तो यहाँ मुझे वेट करना पड़ेगा, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, फिर ये मेरे फार्म चलेंगे। तो गाइस आगे चलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एक्सपी फार्म? ये इस विलेज में ऑलरेडी था। तो गाइस आगे हम चलते हैं। मैं आपको अपना कासल भी दिखाना चाहता हूँ गाइस, पर उससे पहले मैं अपने कासल का रूम आपको दिखाऊंगा। तो गाइस इसको बंद कर देते हैं। हाँ तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ से सीधा मेरे रूम पे, जो कासल के अंदर है। पहले वहाँ आपको उसका टूर कराऊंगा मैं। तो चलते हैं। ये मेरी पुल है, देखें कितनी प्यारी बनी है गाइस। ये पहले की बनी थी, इस पुल को भी अपग्रेड किया। यहाँ पे कुछ और था पहले, यहाँ पे पहले वो जंगल बायोम में नहीं होती, वो छोटा सा तहखाना जिसमें डायमंड वगैरह मिलते हैं, वो चीज़ थी। वो मैंने यहाँ पे उसको सारा तोड़ फोड़ और ये कासल बनाया था अपना। ये कासल की मेरी बैक साइड है, मैं फ्रंट साइड अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, तो इसलिए हम अब बाहर चलते हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ से सीधा, ये मैंने रास्ता बनाया अपने घर से कासल तक, और कासल से अपने घर तक। तो अभी आपको दिख तो आ रहा है ये आपको कासल, बट अभी अंदर से भी टूर करवाना है, बाहर से भी। तो इसीलिए पहले मैं आपको बताता हूँ, तो मेरे घर के पास ही मैंने एक विलेज रखा। ये देखें मेरा विलेज, कैसा लगा गाइस आपको मेरा विलेज? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। ये विलेजर्स, ये विलेज, ये सब कुछ ये ऑलरेडी था। मैंने कहा अपना कासल बनाऊँ तो विलेज के सामने ही बनाऊँ, ताकि मुझे भी अगर कोई ज़रूरत इनकी पड़ी या रेड वगैरह कुछ भी करवाना पड़े तो मैं इसमें शिरकत करूँ। तो गाइस अब देखें यहाँ से हम वापस चलते हैं, और ये रहा हमारा कासल। कैसा लगा आपको मेरा ये कासल? अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये देखें ऑटोमेटिक डोर, और गाइस ये देखें ऑटोमेटिक डोर, ये इसकी मैं आपको लैडर वीडियो बना के दिखाऊंगा ऑटोमेटिक डोर की। तो गाइस अब आगे चलते हैं। ये मेरा सिंहासन, यहाँ राजगद्दी में मैं राज करता हूँ बैठ के। ये मेरे सिपाही हैं, आपको पता है किस चीज़ के सिपाही हैं, फेक वाले। तो गाइस कैसे लगे मेरे सिपाही आपको? और ये जो ब्लू वाला बना था ना, ये ब्लू, इसको गाइस मैंने डाई किया है। आपको अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको डाई करके बताऊंगा कि कैसे लेदर के सूट को डाई करते हैं। तो गाइस अब हम चलेंगे हमारे उसी रूम पे जो आपको पहले ही दिखा दिया है। तो गाइस कैसा लगा ये मेरा रूम और ये मेरा कासल के एंट्रेंस? देखो दोस्तों, अब आपको इसकी छत दिखाता हूँ। ये है मेरे कासल की छत, चेक करें कैसी लगी। हाँ यहाँ पे अभी मैंने वॉल्स लगानी है, तो मैंने कहा बाद में लगाऊंगा। तो गाइस अब देखें कि यहाँ से मैं ऊपर जाके आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो देखें मेरा सामने दिख रहा है, ये मेरा नेदर का पोर्टल है। इसको भी मैंने बहुत फैंसी से बनाया, पहले ये ऑलरेडी था, और ये भी ऑटोमेटिक गेट। मैं आपको ऑटोमेटिक गेट का भी ज़रूर बताऊँगा, और लेदर के आर्मर को डाई कैसे करते हैं वो भी ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस ये मेरा हॉर्स, और यहाँ पे ये वॉल भी बनाई है मैंने अपने गेट को डिज़ाइन करने के लिए। तो गाइस ये इसके पीछे वाली साइड, तो ये मेरा अंदर से, ये देखें ये मेरा रूम जहाँ से हम गए थे। और अब आपको मैं एक ऐसी जगह, ऐसा रास्ता दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने अपना मॉडर्न हाउस बनाना है। तो चलते हैं उस तरफ। मैंने बोन मिल लिया है, बोन मिल कह रहा हूँ, मैंने फूड लिया है थोड़ा सा, कि मुझे फूड की बहुत ज़रूरत है, बहुत सब ज़रूरत है। तो चलते हैं,
ये मैंने चेस्ट वगैरह भी यहाँ पे रखी है क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा सामान हो जाए माइनिंग करते करते, तो मैं यहीं पे इकट्ठा कर लेता हूँ। तब हम सीधा ही चलते जाएंगे, मैंने जहाँ पे अपना मॉडर्न हाउस बनाना है वो भी आपको दिखाता हूँ। वो प्लेस आप मुझे कमेंट में बताना देख के कि कैसी लगेगी आपको। गाइस हम जल्द से जल्द वहाँ पर चलते हैं। वो रास्ता बहुत दूर बनाया है क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर अपना मॉडर्न हाउस बनाना चाहता हूँ। तो गाइस बस हम गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये मेरी नई सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस मैंने ये सब कुछ बनाने में बहुत देर लगा दी थी, तो मैंने कहा जब सब बना लूँगा तभी वीडियो अपलोड करूँगा ताकि वर्ल्ड किसी को पसंद भी आए। ऐसे किसी को मेरा वर्ल्ड पसंद भी ना आता तो मैं क्या करता, तो मैं वीडियो स्किप करने वाला हूँ थोड़ी सी, क्योंकि वो बस रास्ता आ चुका है। तो गाइस ये रास्ता आ चुका है, ये देखें यहाँ से हम बाहर जाते हैं तो ये देखें ये हमारा ओपन एरिया, जैसे वो फ्लैट वाला नहीं होता उसी तरह ही है। बस इसको फुल फ्लैट कर देंगे, ये घास वगैरह सब कुछ काट देंगे यहाँ से। पीछे ऊंचा सा पहाड़, ये देखें यहाँ पे मैं अपना मॉडर्न हाउस बनाना चाहता हूँ। ये मैंने निशानी लगाई है, अगर मैं कभी अपने बोर्ड से भी यहाँ पे आऊँ तो मुझे पता लग जाए कि ये मेरा मॉडर्न हाउस है। तो गाइस अब मैंने वीडियो स्किप कर दिया, तो मैं बस पहुँचने वाले हूँ मैं घर के पास। ये देखें मैं अपने घर के पास आया, यहाँ से स्टेयर से ऊपर जाऊँगा। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये सारा वर्ल्ड, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब पूरा चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। सो गाइस अल्लाह भूता गाना कर दें। सो गाइस अब मैं आपको ये क्रिएटिव कर दिया है, तो अब आपको पूरा टूर कराता हूँ यहाँ का, क्रिएटिव पे व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखें ये व्यू चेक करें कैसा लग रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। नहीं ये देखें ये मेरा रास्ता किस तरह मैंने डिज़ाइन किया है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम जाया हुआ है, खुद ही सारा बनाया है। क्रिएट ये ना समझेंगे क्रिएटिव करके मैंने सारा कुछ बनाया है। अगर किसी को लगता है तो उसका फिर अल्लाह ही हाफिज है, हम क्या कह सकते हैं। तो भाई बहुत मेहनत की है, लेकिन ये तो विलेज पहले का था, मैं बार बार कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसमें पहले की हैं, कुछ मैंने अप्लाई की है, मतलब कि ये कासल मेरा घर और भी कुछ दो चार चीज़ें। देखिए यही मेरा सिंहासन, और सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड अल्लाह हाफिज।